डायमीटर ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज कितना सेंटीमीटर है? 28 सेंटीमीटर है। एंड इट इज द कम्प्लीटली इमर्ज इन टू द वाटर, लेटेस्ट कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द स्फीयर। यानी के बोल रेडियस लिखेंगे तो आप बोलिएगा डायमीटर लिखेंगे, तो डायमीटर सेंटीमीटर दे दिए, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है? डी बाई टी है, डी बाई टू है, डी का वैल्यू 28 है, 28 बटा 2 है, 2 एकम 2 है, 2 एकम 2 है, 2 चौके 8 है, रेडियस कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। तोड़ के बता दिए, ब्रेक कर। तो यानी बोलने का मकसद ये था कि 14 सेंटीमीटर है, रेडियस पता है, डायमीटर के जरिए हम लोग रेडियस निकाल लिए, तो आप बोलिएगा सर वॉल्यूम निकाल लीजिए ना, तो हम ले चलिए निकाल के झमेला हटा दे रहे हैं। तो ये जो है वॉल्यूम निकाले हैं, तो देखिए 4 बाई क्या है 3 और इंटू पाई इंटू आर का क्यूब, ये हो गया 4/3। पाई का वैल्यू क्या है? तो 22/7 है, इनटू आर का वैल्यू क्या है? 14 का क्यूब होगा, याद रखिएगा। ये जो क्यूब है तो क्यूब दे दीजिएगा, और जैसे स्क्वायर को 2 बार लिखते थे तो क्यूब को कितना बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। क्यूब को कितना बार लिखेंगे? 3 बार। मतलब कि अगर 2 पे पावर क्यूब रहेगा तो 2 पे पावर जो क्यूब रहेगा तो 2 को कितना बार लिखेगा? 3 बार लिखेगा। कैसे लिखेगा? 2 × 2 × 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 14 × 14 × 14, यानी के लिखिएगा 4/3 × 22/7 × 14 × 14 × 14। 7 का पहर आता है कितना होगा? 7 × 14 ठीक है, 7 × 7 = 14 ठीक है, यही मिस्टेक सर्कल हो गया सर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? नीचे का बचा कुछ बचा? हाँ नहीं, कैसे नहीं बचा? 3 नहीं बचा, ये नीचे 3 हो गया, ऊपर में 4 बचा, ये 22 बचा, ये 2 बचा, इंटू 14 बचा, इंटू 14 बचा। इस सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये 3 होगा, तो सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा? ये पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3/4 9/6/3। ये मल्टीप्लाई करके किया, आप लोग अपने से कर लीजिएगा, और उसके बाद देखिएगा इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3/4 4/9/6/3 था ना, इसको ऐसे लिखे 3/4 4/9/6। बचपन में जो भाग पढ़े ना, डिवाइड पढ़े ना, वही अभी काम आ रहा है। अब बचपन में अगर डिवाइड पे ध्यान नहीं दिए तो अभी सम नहीं बनेगा। तो देखिए 3 × 3 कट गया, ये 4 हुआ, 3 × 3 तो 4 × 3 जाएगा, कितना बचेगा? हाँ 1 बचा, अब फिर 4 उतरा यहाँ पे, तो 3 का पारा कितना पड़ेंगे कि 14 आएगा? 4 मरतबा, तो 3 × 12 हो गया, तो ये 1 कट गया, तो 4 × 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। ऊपर में कुछ बचा है सर? 6 का 9 कौन लिखेगा? ये 9 बचेगा, तो 2 का पारा कितना पड़ेगा कि 29 होगा? तो आप बोलेगा सर 9 बार पढ़िए ना, 3×9 = 27। तो यानी कि 2 कटा, तो 9 में से 7 गया तो 2 आया, ये 6 लिखेंगे, तो 3 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 26 आएगा? तो कितना बार पढ़िएगा? 24 है सर, 3×8 = 24। तो ये 2 कटा, जब 2 कटा तो क्या होगा? यहाँ 6 में से 4 में से जाएगा तो क्या होगा? 2 होगा। यहाँ पे जो पॉइंट दीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 0। जब यहाँ पे पॉइंट दीजिएगा तो क्या आएगा? 0। और उसके बाद होगा 3×6 = 18। ये 2 में से गया तो कट गया, और ये 10 में से गया 2 बचा, फिर 0 देंगे, फिर 3×6 = 18, फिर कटा, फिर 2 आया, फिर 3×6 = 18, फिर 2 देंगे, फिर 3×6 = 18। अरे हम ऐसे बता रहे भी कैमरा ऐसे से कर रहा है, 3×6 = 18। इसे जब कंटिन्यू रहेगा ना, तो रूल है कि 2 से 3 बार लीजिए, उससे ज़्यादा मत लीजिए। और ये हो गया लास्ट में, बोल सकते हैं 11498.66 आंसर हो गया। यानी बोलने का मकसद है कि 1-2 बार वीडियो को देख लीजिए तो पूछ लीजिएगा। आप देखिए फरीद, आपको डाउट है कुछ इसमें?